देश में पिछले लंबे समय से चल रही अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों पर बहस के बीच अब नई अपडेट सामने आई है। दरअसल राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश ने भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। इससे पहले 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष लंबे समय से सेना में अग्निवीरों की 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद उनकी स्थायी नौकरी को लेकर कई बार सवाल उठा चुकी है। ऐसे में जून 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिली थी। वहीं अब तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर से अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए आरक्षण की घोषणा करके इस सवाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं अगर राज्यों के हिसाब से अग्निवीरों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PSC बल में आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले भी जून 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में पुलिस और बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर हाल ही में कहा है कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। इसके साथ ही राजस्थान में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद राज्य में पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी अग्निवीरों को सरकार आरक्षण देगी। प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सैनिक कल्याण विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है। इससे पहले जून 2022 में CM धामी ने ऐलान किया था कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य में 4 धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल गार्ड और SPO की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी में 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी में 5% और ग्रुप ए में 1% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख तक बिना ब्याज के लोन भी हरियाणा सरकार मुहैया कराएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे विभिन्न पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस यानी SRP की भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। वहीं इसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, AP बटालियन और आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इससे पहले जून 2022 में CM खांडू ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस पदों और सरकारी सब्सिडी कार्यक्रम में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सरकार ने अपना बिजनेस शुरू करने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के तहत प्राथमिकता देने की बात भी कही थी। वहीं इसके साथ असम प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जून 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर कार्यक्रम में वापस आएंगे, उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि असम आरोग्य निधि योजना के तहत BPL परिवार और 10,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है। वहीं इसके साथ आखिर में ओडिशा में राज्य में वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। और साथ ही गोवा में पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और वन सेवाओं जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।